फ्रेंड्स, ये है 9 mm फुल मेटल टॉय गन। अच्छी तरह देख लीजिए, 9 mm फुल मेटल टॉय गन। आपके पास भी अगर ये है और वो ख़राब हो चुकी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, मैं हूं मंजर, आप देख रहे हैं चैनल द ब्लैक एल्क, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है फुल मेटल 9 mm टॉय गन। जी हाँ, ये है फुल मेटल 9 mm टॉय गन। और दोस्तों, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी वेपन लेते हैं तो उसके साथ हम लोगों को शरारत करने का बहुत मज़ा आता है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वेपन में वो है ट्रिगर, और इसका ये हैमर और ट्रिगर। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ ख़राब सबसे पहली होती है तो वो या तो हैमर होता है या फिर ट्रिगर होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए सबसे पहले इसमें ट्रिगर ख़राब होता है, जबकि हैमर नहीं ख़राब होता। असल में वो ख़राब भी नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी एक उसकी एक रिंग होती है जिसमें से उसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती है और वो उतर जाता है। और आप समझते हैं कि ये ख़राब हो चुकी है, लेकिन ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी बंदूक को खोल कर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, किस जगह पर जाकर आपको वो रिंग जो है दोबारा एडजस्ट करनी है, या अपनी प्लेस पे दोबारा लगानी है, ट्रिगर के साथ अटैच करनी है। ट्रिगर एक्चुअली उस रिंग से उतर जाता है, आप उसको अटैच करेंगे तो दोबारा चलने लायक बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टॉय गन को आपको किस तरह से ठीक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको खोलते हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही स्क्रू होते हैं, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ पर। लेकिन इसको खोलते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है जो कि छलांग लगा के कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है। तो इसको आराम से आपको बहुत ही खोलना है। अंदर से ये इस तरीके से दिखती है। और दोस्तों, जिस रिंग की मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये है वो रिंग, ये वो रिंग है, ध्यान से देखिएगा, जो कि इसमें से उतर जाती है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस स्प्रिंग का आपको ध्यान रखना होता है। आपको इसको यहाँ पे इस तरह से लगा के, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ये चलाने की वजह से थोड़ी ब्लैक हो चुकी है। इसको यहाँ पर लगा कर अटका के फिंगर से दबा के रखना है, और साथ ही से आराम से इसमें इसको लगा देना है, और बस आपकी जो है ट्रिगर मैकेनिज्म है दोबारा ठीक हो गया। जब भी कभी आप इसको बिना उसके चलाते हैं, ये देखिए, असल में ये जब पीछे जाती है तो यहाँ पर अटकती है, और फिर जब नीचे करते हैं तो ये आगे जाके हिट करती है। तो जब भी आप इसको बिना उसके चलाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये उतर जाती है। यहाँ पर तो ये अंदर रहती है, लेकिन फिर आप ये पीछे चली जाती है और फिर लूज़ सी हो जाती है, और आपको लगता है कि ये ख़राब हो जाती है। लेकिन आपको करना ये है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको इसको इसमें बहुत ही आराम से इसको इसमें डालना है, यहाँ से ऐसे करना है और दबा देना है, और ये तैयार है। दोबारा आप इसको, इसका ढक्कन उठाइए, इसके ऊपर रखिए, बहुत ही आराम से इसको आप, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग की वजह से थोड़ा सा अटकता है, लेकिन अगर आप बहुत आराम से इसको सेट करेंगे तो ये सेट भी हो जाएगी, और आप देखिए कितने कितनी आराम से ये सेट हो गई। लेकिन बंद करने, स्क्रू करने से पहले आप एक बार इसको चला कर देख लीजिएगा। देखिए, मैंने कर दी है, इधर से आप पकड़ के रखिए, लॉक कीजिए, चलाइए, इट मीन्स कि ये ठीक हो चुकी है। अब मैं इसको पहला स्क्रू यहाँ लगाऊंगा, दूसरा यहाँ लगाऊंगा, और आपकी जो फुल मेटल 9 mm टॉय गन है वो चलने के लिए दोबारा तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी छुपा है जो कि आपके काम आ सकता है अगर आप ये फुल मेटल 9 mm टॉय गन खरीदते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो इसमें इस्तेमाल होते हैं कॉर्क, साउंड कॉर्क जिनको कहा जाता है, किस तरह से उनको परचेज कर सकते हैं और किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।